इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से सब्सीटेटेड एनीलिंस में बेसिसिटी को डिटरमाइन किया जाता है ये नाइट्रोजनस बेस की सीरीज का पार्ट सेकंड वीडियो है इसके पार्ट फर्स्ट में हमने डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस को कंसीडर किया था और वहां पे हमने देखा था कि किस तरह नाइट्रोजनस बेस में बेसिसिटी को डिटरमाइन किया जाता है और उस बेसिसिटी को उसकी पीकेए पीकेबी वैल्यू के साथ कोरिलेट किया जाता है इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि नाइट्रोजनस बेस की बेसिसिटी किन किन थ्योरीज पे डिपेंडेंट होती है एनिलीन की बेसिसिटी को समझने के लिए इसकी रिएक्शन सबसे पहले एक्वेस मीडियम में करवाई जाती है वहां से एनिलीन एक एच को एबसेप्ट कर लेता है और इस रिएक्शन में एनिलीन अपना लोन पेयर इस एच पॉजिटिव को डोनेट करता है इसलिए एनिलीन बेस की तरह एक्ट करता है इससे इस नाइट्रोजन इस और इस एच के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि इस प्रोसेस को प्रोटोनेशन कहते हैं और इसमें इस नाइट्रोजन इस का लोन पेयर यूज होता है या डोनेट होता है इसलिए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इस बेस से कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन होती है एनिलिन की बेसिसिटी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है नंबर फर्स्ट एनिलिन की बेसिसिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एन एटम चूंकि एनिलीन में नाइट्रोजन एटम डोनर होता है और उस डोनर एटम पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी होती है उतना ज़्यादा उस एनिलीन की बेसिसिटी हो जाती है क्योंकि इस एटम पर इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ने से अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एच पॉजिटिव को डोनेट करता है और प्रोटोनेशन को शो करता है जिससे रिएक्शन आगे की साइड में प्रोसीड होती है यानी कि इसका रेट जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है अब इस रिंग में मान लो कोई ग्रुप हमारे पास आर लगा हुआ है तो आर की नेचर क्या है उससे एनिलिन की बेसिसिटी डिसाइड होती है अब मान लीजिए आर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है यानी कि वो इनमें से कोई भी एक इफेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट शो कर सकता है चूँकि मिजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई से डोमिनेट होता है ऐसी कंडीशन में ऐसी एनिलिन जिसका आर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा उसके नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी और प्लस एम इफेक्ट शो करने वाली एनिलीन स्ट्रॉन्ग बेस होगी बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लीजिए आर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो इस सीरीज में प्लस सबसे वीक इफेक्ट होगा इसलिए ऐसी एनिलीन के नाइट्रोजन पर इनके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन कम होगी और इनके कंपेरिजन में एनिलीन पुअर बेस होगा अब मान लीजिए आर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना होकर इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रुप है तो ऐसे ग्रुप्स क्या करते हैं डेंसिटी को विड्रॉल कर लेते हैं और ऐसे ग्रुप माइनस आई माइनस एम इस टाइप के कॉम्बिनेशन के इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है इसलिए माइनस एम ग्रुप रखने वाली नाइट्रोजन पर डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी जबकि माइनस आई इफेक्ट रखने वाले एनिलीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस एम के कंपैरिजन में कम डिक्रीज होगी या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो तरह के एनिलीन है एक में माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है एक में माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस आई वाली जो एनिलीन होगी उसके नाइट्रोजन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण वो माइनस एम के कंपेरिजन में स्ट्रोंग बेस होगी इसी तरह से जब एनिलीन अपना लोन पे डोनेट कर देती है तो उससे कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन होती है अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है ऐसी कंडीशन में रिएक्शन आगे की साइड प्रोसीड करती है और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट या इंक्रीज हो जाता है इस कारण से उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उस एनिलिन की बेसिसिटी होगी अगर किसी एनिलिन की बेसिसिटी ज़्यादा है ऐसी कंडीशन में उसकी के भी वैल्यू भी ज़्यादा होगी पी के भी वैल्यू कम हो जाएगी जबकि पी के वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एनिलिन डेरेविटिव की बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एस आई पी यानी स्टेरिक इनिवेशन ऑफ प्रोटोनेशन को समझना बहुत जरूरी है मैं यहाँ पे ऐसी होप करके चल रहा हूँ कि आपने इस चैनल का जो एस आई पी का वीडियो था जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है उसको अच्छे से देख लिया होगा या आपको एस आई पी के बारे में बेसिक नॉलेज होगी यहाँ पर एस आई पी इफेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट उसके कारण जो रिजल्ट आया है उसको हम समराइज कर रहे हैं एस आई पी इफेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट थे नंबर वन कि ऑर्थो ओर्थोसब्सिट्यूटेड जो एनिलीन होती हैं उसके नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा होती है इसलिए इसको स्ट्रोंग बेस होना चाहिए था बट एनिलीन के कंपैरिजन में इसकी बेसिसिटी घट जाती है क्योंकि इसमें एस आई पी डेवलप हो जाता है यानी कि जो एनिलीन है वो ऑर्थो ऑर्थोसब्सिट्यूटेड एनिलिन स्ट्रोंग बेस है इसीलिए एनिलीन का ऑर्थो औथोसब्सिट्यूटेड एनिलीन से केबी वैल्यू ज्यादा होगा के बी वैल्यू कम होगा या फिर ऐसा कह लें पीके ए वैल्यू ज्यादा होगा इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया था कि पैरा जो एनिलीन होती एनिलीन होती हैं वो ऑर्थो से स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसकी ऑर्थो ऑर्थोसब्सिट्यूटेड एनिलीन को पैरा के कंपैरिजन में स्ट्रोंग बेस होना चाहिए था बट अगेन यहां पर ऐसा ही वर्क करता है जिससे इसका पैरा आइसोमर स्ट्रोंग बेस बन जाता है इसीलिए पैरा एसोमर की बेसिसिटी ज्यादा होती है केबी वैल्यू ज्यादा होती है पी बी वैल्यू कम होती है और पीके ए वैल्यू ज्यादा होती है अब मान लीजिए हमारे पास कोई एनिलीन है जिस पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है आर ग्रुप को यहां लगाने का मतलब यह है कि इसको हम ऑर्थो मेटा या पैरा तीनों पोजीशन पर एज्यूम कर सकते हैं अब इस आर ग्रुप की नेचर और उसके थ्रू शो होने वाले इफेक्ट के बेस पर इसकी बेसिसिटी को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं तो इसकी फर्स्ट कैटेगरी में हम आर ग्रुप ऐसा लेते हैं जो कि माइनस एम इफेक्ट के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट शो करता है, चूंकि माइनस एम इफेक्ट माइनस आई से डोमिनेट होता है और ऐसे कंपाउंड में बेसिसिटी को हम किस तरह से डिसाइड करते हैं अब हम ये अच्छे से सीखते हैं इसको समझने के लिए यहाँ पर चार टाइप के कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें से पहले तीन नाइट्रो एनिलिन है जिनका कम्पेरिजन एनिलिन के साथ किया जा रहा है चूंकि नाइट्रोग्रुप माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस आई की जिन कंपाउंड में भी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा ये तीनों कंपाउंड माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे और माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें ऑर्थो पोजिशन पर लगेगा उसके बाद मेटा पोजिशन पर लगेगा और सबसे कम इसकी पैरा पोजिशन पर लगेगा इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम एम्फेक्ट पैरा पोजिशन से और ऑर्थो और्थोपोजीशन से लगेगा मेटा पोजिशन से कभी भी नाइट्रो ग्रुप अपना माइनस एमफेक्ट शो नहीं कर सकता ऐसा क्यों होता है क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर होते हैं तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते इनका हाइपर कंजुगेशन या जो मिजोमेरिक इफेक्ट होता है वो बेंजीन तक ही एप्लीकेबल होता है जैसे इस एग्जाम्पल में एनएस एम इफेक्ट शो करता है और ग्रुप ग्रुप माइनस एम एम इफेक्ट शो करता है जब प्लस M के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्थो पोजिशन पर या फिर पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में माइग्रेट करते हैं चूंकि नेट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट है और ये नेगेटिव चार्ज नेट्रो ग्रुप के एडजस्टेंट वाले कार्बन पर प्रेजेंट ना होकर इस कार्बन पर प्रेजेंट होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के साथ दो सिंगल बोन सेपरेटेड से होता है और कंजुगेशन में ना होने के कारण इस कंडीशन में नाइट्रो ग्रुप अपना माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता जबकि दोनों ऑर्थो और पैरा कंडीशन में ये नेगेटिव चार्ज अगेन इसकी पे या फिर पैरा पोजिशन पे जनरेट होता है और जैसे ही ये चार्ज पहले एग्जाम्पल में पहले केस में पैरा पोजिशन पर जनरेट होता है अभी नेट्रो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है इसलिए यहाँ पर नेट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करता है इसी तरह से कंपाउंड थर्ड में जब इनेक्टिव चार्ज यहाँ जनरेट होता है तो अगेन ही नेट्रो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है और नेट्रो ग्रुप अपना इसमें माइनस एम इफेक्ट शो कर लेता है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रॉन्ग बेस बनने के लिए उसका जो डोनर एटम होता है उस पर इलेक्ट्रॉनडेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए चूंकि नाइट्रोग्रुप माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट करता है दोनों ही इफेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट होते हैं इसका मतलब ये हुआ एनिलीन पर अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो एनिलीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनडेंसिटी कम हो जाती है और नाइट्रो एनिलीन जो होता है वो वीक बेस बन जाता है अब इन तीनों में से हम किस तरह से कंपेयर करेंगे अब इसमें से जो सेकेंड कंपाउंड है उसमें केवल माइनस आई के थ्रू नुकसान हो रहा है जबकि कंपाउंड फर्स्ट में और कंपाउंड थर्ड में माइनस आई और माइनस एम दोनों नुकसान कर रहे हैं जबकि फोर्थ कंपाउंड एनिलीन में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा इसका मतलब यह हुआ कंपाउंड फोर्थ में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो इसके नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा हो इसलिए कंपाउंड फोर्थ सबसे स्ट्रांग बेस होगा उसके बाद कंपाउंड नंबर सेकंड आएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग केवल अपना माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं इस कारण से अभी स्टिल इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची हुई रह जाएगी जिसके कारण ये बेस बनेगा तो सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन आ गई अब बात करते हैं कंपाउंड नंबर फर्स्ट और कंपाउंड नंबर थर्ड में इन दोनों में नाइट्रो ग्रुप माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट शो कर रहे हैं चूंकि ऑर्थो पोजिशन पर माइनस हमें ज़्यादा लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मीजोमेरिक इफ़ेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है यानी कि पैरा पोजिशन से जितना मिजोमेरिक इफेक्ट लग रहा होता है उतना ही मिजोमेरिक इफेक्ट इसमें ऑर्थो पोजिशन से लगेगा यानी फर्स्ट और थर्ड को हम माइनस एम के बेस पर कंपेयर नहीं कर सकते अब इसके लिए हमको माइनस आई देखना पड़ेगा क्योंकि तो कंपाउंड थर्ड में नाइट्रो ग्रुप एन एस टू ग्रुप के पास में है इसलिए ये अपना स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और इसी कारण से कंपाउंड थर्ड के नाइट्रोजन पर कंपाउंड फर्स्ट की नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसी कारण से कंपाउंड फर्स्ट जो होगा वो थर्ड से स्ट्रोंग बेस होगा अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को यूज करके जो हमने बेसिसिटी का ऑर्डर निकाला है क्या ये फाइनल ऑर्डर है या फिर इसमें एस के थ्रू करेक्शन करना है तो सबसे पहले हम ये याद रखते हैं कि एस आई पी इफेक्ट के कारण हमारे पास क्या रिजल्ट आया था एस आई पी के कारण हमारे पास जो एनिलिन थी यानी फोर्थ नंबर कंपाउंड और थर्ड नंबर कंपाउंड से स्ट्रोंग बेस था और जो हमने अभी ऑर्डर निकाला है उसमें फोर्थ नंबर कंपाउंड ऑलरेडी थर्ड नंबर कंपाउंड से स्ट्रोंग बेस है इसलिए ये बेसिसिटी का ऑर्डर हमारे पास फाइनल ऑर्डर होगा बेसिसिटी के इस फाइनल ऑर्डर को हम पी के बी वैल्यू के साथ कोरिलेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस में के बी वैल्यू ज़्यादा होती हैं जबकि पी के बी वैल्यू कम होती है इसी कारण से इस सीरीज में फोर्थ कंपाउंड की पी के भी वैल्यू सबसे कम होने के कारण इस सीरीज़ में फोर्थ कंपाउंड स्ट्रोंगेस्ट बेस होगा और तीसरे कंपाउंड की पी के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा होने के कारण कंपाउंड थर्ड इस सीरीज का वीकेस्ट बेस होगा इसकी सेकेंड कैटेगरी में आर ऐसा ग्रुप होता है जो प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है प्लस एच इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से डोमिनेट होता है इस में मिथाइल ग्रुप अपना प्लस H प्लस एच और आई इफेक्ट शो कर सकता है जिसमें से प्लस एच इफेक्ट डोमिनेट होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्लस आई की इनमें पहले तीन जो मेंबर होते हैं इनमें मिथाइल ग्रुप के कारण प्लस आई इफेक्ट जनरेट होता है और प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए कंपाउंड नंबर थर्ड में ये मिथाइल ग्रुप एन के पास में होने के कारण स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगाता है जबकि कंपाउंड नंबर फर्स्ट में मिथाइल ग्रुप सबसे दूर होने के कारण इस एन पे अपना वीक प्लस आई लगाता है अब बात करते हैं मिथाइल ग्रुप के थ्रू शो होने वाले प्लस एच वेक्ट पर प्लस एच वेक्ट पैरा पोजिशन और ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल होने से शो होता है कभी भी मेटा पोजिशन पर अगर मिथाइल है तो इसका प्लस एच इफेक्ट शो नहीं होता इसका रीज़न भी सेम रहता है कि कोई भी दो ग्रुप अगर एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर हैं तो उनके इफेक्ट केवल रिंग पर ही एप्लीकेबल होते हैं वो एक दूसरे को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर सकते हैं इसीलिए इसमें मिथाइल ग्रुप का मेटा पोजिशन पर होने के कारण इसका प्लस एच एप्लीकेबल नहीं होगा अब दोनों ही इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होते हैं और ये इफेक्ट नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ऐसा नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा इसका मतलब ये है हम एक चीज़ तो कंफर्म कह सकते हैं कि इसमें कंपाउंड नंबर फोर्थ यानी एनिलीन पर एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना होने के कारण इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है और एनिलीन इस सीरीज का सबसे वीकेस्ट बेस बन जाता है अगर इसके बेसिसिटी के कंप्लीट ऑर्डर की बात की जाए तो इसका कंप्लीट ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है जिसमें एक चीज़ तो हमने कंफर्म कर दी कि कंपाउंड नंबर फोर्थ में एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ना होने के कारण इन चारों में से इसकी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनसिटी सबसे कम होगी और ये इस सीरीज का सबसे वीकेस्ट बेस होगा अब बात करते हैं पहले तीन कंपाउंड की बेसिसिटी की इसमें कंपाउंड नंबर सेकंड जो होता है इन तीनों में से सबसे घटिया बेस होता है क्योंकि इसमें केवल प्लस आई के थ्रू नाइट्रोजन एटम पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जबकि कंपाउंड फर्स्ट में और थर्ड में प्लस आई और प्लस एच दोनों इफेक्ट के कारण डेंसिटी इंक्रीज हो रही है अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है कंपाउंड फर्स्ट का कंपाउंड थर्ड के साथ क्योंकि दोनों में ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से लगने वाला और मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो पोजिशन से लगने वाला, से लगने वाला दोनों इक्वल होते हैं यानी कि कंपाउंड फर्स्ट को थर्ड को हम प्लस एच के बेस पे डिस्टिंग नहीं कर सकते तो इसके लिए हम हमको इसका प्लस आई इफेक्ट देखना पड़ेगा चूंकि काफी नजदीक है इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है जबकि पैरा पोजिशन पर मिथाइल और एन एस टू ग्रुप में डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इसका प्लस आई वीक हो जाता है तो कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड में से कंपाउंड नंबर थर्ड पर फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसलिए कंपाउंड थर्ड फर्स्ट के कंपैरिजन में स्ट्रोंग बेस हो जाता है बेसिसिटी का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को यूज करके जो ऑर्डर हमने निकाला है अगेन ये फाइनल ऑर्डर है या इसमें हमको एस का करेक्शन करना है एस के करेक्शन के लिए अगेन हमको ये ध्यान रखना है कि एस इफेक्ट के थ्रू जो एनिलीन यानी फोर्थ नंबर का कंपाउंड ऑर्थो सब्सिट्यूटेड एनिलीन यानी थर्ड नंबर कंपाउंड से स्ट्रोंग बेस होता है जबकि यहां पर क्या है थर्ड नंबर कंपाउंड फोर्थ से स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि एस आई पी ये कहता है कि फोर्थ नंबर कंपाउंड थर्ड से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए तब हम क्या करेंगे जो थर्ड नंबर कंपाउंड है उसको यहाँ से पिक करके फोर्थ के पीछे ले जाएंगे तो अब हमारे पास जो बेसिसिटी का फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें कंपाउंड नंबर फर्स्ट देन सेकंड, देन फोर्थ और सबसे लिस्ट बेस्ड हो जाएगा कंपाउंड नंबर थर्ड इन कंपाउंड के बेसिसिटी के फाइनल ऑर्डर को हम इसकी पीके बी वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि कंपाउंड की बेसिसिटी और पीके बी वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शन होती हैं इसलिए जो कंपाउंड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी पीके बी वैल्यू सबसे कम होती है और जो कंपाउंड इस सीरीज का सबसे वीकेस्ट बेस होगा उसके लिए पी बी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी अब इसकी तीसरी कैटेगरी रहती है जिसमें आर की वैल्यू कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनसे केवल प्लस आई इफेक्ट शो होता है अब अब मान लो हमारे पास एनिलीन में आर की की जगह पर ग्रुप ग्रुप रख दिया जाए खास बात क्या होती है कि इसमें केवल प्लस आई इफेक्ट होता है यानी कि ट्रशरी बुटाइल ग्रुप में कभी भी प्लस एच इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में जो इसका एल्फा कार्बन होता है इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एच नहीं होता यानी कि इसमें अल्फा एच एबसेंट होने के कारण इससे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें केवल प्लस आई इफेक्ट होगा और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो सभी पोजिशन के थ्रू लगता है यानी इसमें पैरा पोजिशन से भी लगेगा मेटा में भी लगेगा और ऑर्थो में भी लगेगा बस डिफरेंस क्या आएगा कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होने के कारण ऑर्थो पोजिशन में ये सबसे ज्यादा लगेगा फिर मेटा पोजिशन में होगा और सबसे कम ये पैरा पोजिशन में हो जाएगा अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा ये प्लस आई इफेक्ट नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देगा इसका मतलब ये हुआ इसमें हम एक चीज तो कंफर्म कह सकते हैं कि जो कंपाउंड नंबर फोर्थ है उस पर नाइट्रोजन के एटम पर सबसे वीक ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी इसलिए इस सीरीज का सबसे वीकेस्ट बेस जो होगा वो कंपाउंड नंबर फोर्थ होगा अब बाकी इन तीनों कंपाउंड में किस तरह से डिसाइड करेंगे क्योंकि तो इन तीनों कंपाउंड में और कोई इफेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है केवल प्लस आई इफेक्ट है जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है इसलिए इसका जो ऑर्थो आइसोमर यानी कंपाउंड थर्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके बाद कंपाउंड सेकेंड के नाइट्रोजन में होगी और उसके बाद कंपाउंड नंबर फर्स्ट के नाइट्रोजन में होगी ये इसकी बेसिसिटी का हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ऑर्डर आ जाएगा अब हर बार की तरह हमको ये चेक करना है क्या ये बेसिस का जो ऑर्डर हमने निकाला है ये फाइनल है या फिर इसमें एस का करेक्शन करना है एस इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड नंबर फोर्थ यानी एनिलीन है वो कंपाउंड नंबर थर्ड यानी और हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होती है जबकि यहां पर हो क्या रहा है यहां पर थर्ड नंबर कंपाउंड फोर्थ से स्ट्रोंग हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे इस थर्ड नंबर कंपाउंड को यहां से पिक करके फोर्थ के पीछे ले जाएंगे तब हमारे पास बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा अब सेकेंड बन जाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग देन देन और सबसे लिस्ट बन जाएगा कंपाउंड नंबर थर्ड अब एस आई करेक्शन करने के बाद बेसिसिटी का यह ऑर्डर इस एग्जाम्पल का फाइनल ऑर्डर बन जाएगा इसकी फोर्थ कैटेगरी में आर के जगह पर ऐसे ग्रुप रखे जा सकते हैं जिनसे केवल माइनस आई इफेक्ट शो हो, जैसे और डिफरेंट हेलोजन के केस में इसमें सिर्फ केवल उसका माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर किया जाता है इन चारों कंपाउंड में जहां भी हेलोजन लगा हुआ है हमें इसमें माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर करना है जैसे माइनस आई अगर कंसिडर करें तो माइनस आई सभी पोजिशन से लगेगा पैरा से भी लगेगा मेटा से भी लगेगा और ऑर्थो से भी लगेगा और जो फोर्थ कंपाउंड एनिलीन है उसमें Cl एब्सेंट होने के कारण माइनस आई इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर माइनस आई की बात करें ये इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए सबसे ज़्यादा ये ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन के थ्रू लगेगा क्योंकि तो इसमें सी एल एटम और एन एस टू के बीच में डिस्टेंस कम है और फिर ये मेटा के केस में थोड़ा कम हो जाएगा और पैरा के केस में सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा अब माइनस आई इफेक्ट करेगा क्या माइनस आई इफेक्ट जो है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इसका मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा यहाँ पर सी एल जो होगा अपना माइनस आईफेक्ट शो करेगा इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो इन चारों में से सबसे ज्यादा इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनसिटी डिक्रीज हो जाएगी जबकि एक चीज़ तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि कंपाउंड फोर्थ में सी एल एबसेंट है इसलिए इसके नाइट्रोजन एटम पर इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनडेंसिटी होगी अगर इसके बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करें तो इन चारों में सबसे स्ट्रोंग बेस जो होगा वो कंपाउंड नंबर फोर्थ होगा अब बात करते हैं पहले तीन कंपाउंड की क्योंकि कंपाउंड नंबर थर्ड में क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बहुत डोमिनेंट होगा इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनडेंसिटी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी जबकि कंपाउंड नंबर फर्स्ट में माइनस आई इफेक्ट सबसे पुअर होगा इसलिए इस नाइट्रोजन एटम पर इन दोनों के कम्पेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉनडेंसिटी होगी और इसी कारण से कंपाउंड नंबर फर्स्ट जो होगा वो इन तीनों में सबसे स्ट्रांग होगा देन कंपाउंड नंबर सेकेंड आएगा और देन कंपाउंड नंबर थर्ड आएगा इतना करने के बाद हमको ये देखना है क्या इसमें एस आई पी करेक्शन करने की जरूरत है या ये हमारे पास फाइनल ऑर्डर है अगेन जो एस आई पी इफेक्ट से करेक्शन होती है उसमें एनिलिन यानी कंपाउंड नंबर फोर्थ कंपाउंड नंबर थर्ड यानी ऑर्थो क्लोरोन से शोम बेस होना चाहिए और जो बेसिसिटी का हमने ऑर्डर निकाला है उसमें ऑलरेडी कंपाउंड नंबर फोर्थ कंपाउंड नंबर थर्ड से स्ट्रॉग बेस है अब ये जो ऑर्डर होगा इस एग्जांपल का फाइनल बेसिसिटी का ऑर्डर होगा अब बेसिसिटी के इस फाइनल ऑर्डर को हम के बी वैल्यू के साथ कोर कर सकते हैं क्योंकि बेसिसिटी और KB के बी वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोशनल होती हैं तो किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस में के बी वैल्यू सबसे सबसे कम होनी चाहिए जैसा कि कंपाउंड नंबर फोर्थ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इस सीरीज़ में इसकी के बी वैल्यू सबसे कम है जबकि कंपाउंड नंबर थर्ड इस सीरीज का सबसे वीकेस्ट बेस है और इसी कारण से इसकी केबी वैल्यू सबसे ज़्यादा है अब इसकी फिफ्थ कैटेगरी में आर ग्रुप ऐसे होते हैं जिनसे प्लस एम के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट शो होता है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट से ये एन टू के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करके उसको वीक बेस बनाते हैं जबकि प्लस एम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके उस एनिलीन को स्ट्रॉन्ग बेस बना देते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आर की जगह पर हम मिथोक्सी ग्रुप लगा लेते हैं क्योंकि मिथोक्सी ग्रुप माइनस आई और प्लस एम दोनों इफेक्ट शो कर सकता है और माइनस आई के कारण इन एनिलीन के नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है जिससे ये घटिया बेस बन जाते हैं इसी तरह इसके प्लस एम के थ्रू नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज होती है और ये स्ट्रोंग बेस बन जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल में मिथोक्सी ग्रुप का माइनस आई उसको नुकसान पहुंचा रहा है जबकि प्लस एम उसका फायदा कर रहे हैं अगर इन चारों एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो जो कंपाउंड नंबर फोर्थ एनिलीन होगा उसमें ना तो नफा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें माइनस आई और माइनस एम दोनों ही एबसेंट है जबकि कंपाउंड नंबर सेकंड जो है उसमें केवल माइनस आई इफेक्ट है इसका मतलब ये हुआ इसमें सिर्फ नुकसान हो रहा है जबकि कंपाउंड फर्स्ट में और सेकंड में नुकसान के साथ साथ फायदा भी हो रहा है तो इन चारों कंपाउंड में कंपाउंड नंबर सेकंड में सिर्फ नुकसान होने के कारण इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी और अगर बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करें तो इसमें कंपाउंड नंबर जो सेकंड होगा वो इसका सबसे पुअर बेस बनेगा इसके बाद कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखें और इसका कंपैरिजन फोर्थ के साथ करें तो फोर्थ में तो कोई ग्रुप ऐसा है ही नहीं जो उसको नुकसान पहुंचाए या फिर फायदा पहुंचाए जबकि कंपाउंड नंबर सेकंड में और थर्ड में प्लस एम के कारण फायदा हो रहा है और माइनस आई के कारण नुकसान हो रहा है चूंकि प्लस एम इफेक्ट माइनस आई पे डोमिनेट होता है इसलिए कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड में कंपाउंड फोर्थ के कंपैरिजन में इनके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसलिए कंपाउंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो इसमें सबसे घटिया बेस बनेगा कंपाउंड नंबर फोर्थ अब हम बात करते हैं कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड की फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई होने वाला प्लस एम इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है यानी कि इन दोनों में मिथोक्सी ग्रुप का प्लस एम सेम पावर का होगा इसलिए इन दोनों कंपाउंड को हम प्लस एम के बेस पर डिस्टिंगश नहीं कर सकते अब हम बात करते हैं माइनस आई की माइनस आई क्या कर रहा है नुकसान कर रहा है और पोजिशन पर मिथोक्सी ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा है इसलिए कंपाउंड फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करें तो कंपाउंड थर्ड में इसके स्ट्रोंग माइनस आई के कारण इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज होगी इसीलिए कंपाउंड नंबर फर्स्ट जो होगा वो थर्ड से स्ट्रॉन्ग बेस होगा अब क्वेश्चन ये है कि बेसिसिटी का जो हमने ऑर्डर निकाला है क्या ये ऑर्डर फाइनल है या फिर इसमें एस की करेक्शन करनी है एस इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो एनिलीन यानी कंपाउंड नंबर फोर्थ जो होता है वो ऑर्थो और तो यानी कंपाउंड नंबर थर्ड से स्ट्रॉन्ग बेस होता है जबकि हमने जो ऑर्डर निकाला है उसमें कंपाउंड थर्ड फोर्थ से स्ट्रांग हो रहा है इसलिए अब हम क्या करेंगे इस कंपाउंड नंबर थर्ड को यहां से पिक करेंगे और फोर्थ के पीछे ले जाएंगे इससे हमारे पास जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो आएगा कंपाउंड फर्स्ट सबसे स्ट्रोंग बेस होगा फिर कंपाउंड फोर्थ बन जाएगा देन थर्ड और लास्ट में हमारे पास कंपाउंड सेकेंड आ जाएगा अब जो बेसिसिटी का ये ऑर्डर आया है ये इस एग्जाम्पल का फाइनल ऑर्डर होगा जिसको हम इसकी पीकेबी वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि पीकेबी वैल्यू और बेसिसिटी प्रोपोर्शनल होती है इसलिए जो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगी और जो सीरीज का सबसे वीकेस्ट बेस होगा उसके लिए पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी नंबर सिक्स ये देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है क्या वो एरोमेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है और एरोमेटिक सिस्टम में अगर इन्वॉल्व है इसको चेक करने के लिए हमको उस कंपाउंड में हक्का रूल चेक करना पड़ेगा अगर उस इलेक्ट्रॉन को आपने हक्का रूल के अकॉर्डिंग के एरोमेटिसिटी में काउंट कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में वो लोन पेयर कभी भी बेस बनने की कैपेसिटी नहीं रखता है यानी वो लोन पेयर कभी भी अब एच पॉजिटिव को डोनेट नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पायन और पायरोल को कंसिडर करते हैं इन दोनों ही नाइट्रोजनस बेस में अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो प्रियडीन का नाइट्रोजन एटम sp2 होता है और इसका लोन पेयर लोकलाइज होता है जबकि पायरोल का नाइट्रोजन एटम sp2 होने के साथ इसका लोन पेयर डीलोकलाइज होता है अब अगर प्रियडिन का लोन पेयर ये लोकलाइज है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए अब मान लो इसके लोन पेयर को इस तरह से हम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो इससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ऐसा होने से नाइट्रोजन एटम का जो कॉन्फिग्रेशन है वो एस पी हाइबेडाइज हो जाएगा और एस पी हाइबेडाइज होने के कारण अब ये एन एटम अपने आप को लीनियर यानी 180 डिग्री का एंगल मेंटेन करना चाहेगा क्योंकि ये स्मॉल रिंग है और स्मॉल रिंग में कभी भी 180 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता इसलिए यहाँ से रिंग में हाईली स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरीके से अब ये रेजोरिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी

इस कारण से इस एटम के थ्रू 120 डिग्री का एंगल और प्लेनरिटी इजीली अचीव हो जाती है इसीलिए हम कह सकते हैं कि पायरोल का जो पेयर होता है वो डिलोकलाइज होता है और इसमें इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है ऐसी कंडीशन में, में रेजुनेंस पॉसिबल नहीं हो सकता अगर प्रियडीन की बात करें तो प्रियोडीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर इस ऑर्बिटल में होता है जो की पांचों कार्बन के साथ प्रपेंडिकुलर होता है और इसी कारण से इसमें नाइट्रोजन का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और में पार्टिसिपेट ना करने के कारण ही प्रोडीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज बन जाता है जबकि यहां पर जो पायरोल के नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो इस ऑर्बिटल में होता है अब नाइट्रोजन का ये 2p ऑर्बिटल इन चारों कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ पैरल होता है और पैरल होने के कारण ही ये ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसीलिए अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह कार्बन के 2p में माइग्रेट कर सकते हैं इसी कारण से जो पायरोल के नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो डीलोकेलाइज होता है अब इन दोनों कंपाउंड को हम हक्कर रूल के बेसिस पर डिस्टिंगश करते हैं हक्कल रूल के अकॉर्डिंग प्रोडिन में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है यहाँ सबसे खास बात यह है कि इन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में हमने नाइट्रोजन के लोन पेयर के इन दो इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करा है ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इन तीन पाई बॉन्ड के कारण होते हैं और इसी तरह से पायरोल भी एरोमेटिक होता है और इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है यानी कि इसकी काउंटिंग में हमने पाई बॉन्ड के साथ साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी काउंट करा है तो हक्कर रूल से सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको ये समझ में आई कि प्रियडिन का जो लोन पेयर होता है वो हक्कर रूल में या एरो में इन्वॉल्व नहीं होता जबकि पायरोल के नाइट्रोजन का लोन पेयर हक्कर रूल यानी एरो में इन्वॉल्व होता है और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर हक्कर रूल में इन्वॉल्व होगा तो किसी भी कंडीशन में इस लोन पेयर के बेस बनने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी जबकि प्रोडिन का नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी हक्कर रूल में इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इजिली बेस बन जाएगा एरोमेटिसिटी या हक रूल के इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोटोनेशन के थ्रू भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अब मान लीजिए प्रिडिन ने अपना लोन पेयर एच पॉजिटिव को दे दिया जिससे इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और इस बेस के थ्रू कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन होगी और इसी तरह हमने मान लिया कि पायरोल ने भी अपना लोन पेयर इस एच पॉजिटिव को डोनेट कर दिया और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी और इससे कंजुगेट एसिड बन गया अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बनने वाले कंजुगेट एसिड और इनके स्टार्टर पर हक रूल को अप्लाई करते हैं प्रिडीन में जैसा अभी हमने डिस्कस किया था इन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये एरोमेटिक होता है यानी कि इसके एरोमेटिक सिस्टम में ये एलपी काउंट नहीं होता और जैसे ही इसका कंजुगेट एसिड बनता है एलपी तो यहाँ से रिमूव हो चुका होता है बट ये कंपाउंड स्टिल एरोमेटिक होता है क्योंकि अभी भी इसमें अंदर से इन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है अगर हम पायरोल की बात करें तो पायरोल में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन यानी दोनों पाई बॉन्ड और इस लोन पेयर के कारण ये सिस्टम एरोमेटिक होता है और जैसे ही इसका कंजुगेट एसिड बनता है इस रिंग में यहाँ पर एसपी थ्री हाइब्रोडाइज नाइट्रोजन बन जाता है और हक्के अकॉर्डिंग अगर किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक भी एसपी थ्री एटम होता है तो ऐसी स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक बन जाती है और अक्केर में साथ में हमने ये भी देखा है कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि पहली रिएक्शन में प्रेडिन पहले भी एरोमेटिक था और कंजुगेट एसिड बनने के बाद भी एरोमेटिक है जबकि दूसरी रिएक्शन में पायरोल पहले एरोमेटिक था और प्रोटोनेशन के बाद ये नॉन एरोमेटिक बन गया है यानी इसके कंजुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जा रही है इसी कारण से पायरोल का नाइट्रोजन कभी भी प्रोटोनेशन में पार्ट नहीं ले सकता अब इन सभी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए अब हम ये फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि प्रियोडिन जो होता है वो पायरोल के कंपेरिजन में स्ट्रोंग बेस होता है और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि अगर कोई बेस स्ट्रांग होता है तो उसका कंजुगेट एसिड हमेशा वीक होता है अगर इस केस में प्रियडिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इन दोनों सी में से इसका प्रियडिन का जो सी होगा वो वीक एसिड होगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि अगर कोई कंपाउंड की एसिडिटी यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती, है, तो उसकी के होती है और पी के ए वैल्यू हमेशा कम होती है इसके लिए इन दोनों कंजुगेट एसिड acid की एसिडिटी को आपस में कंपेयर करते हैं अब इसकी पी के वैल्यू से हम इजिली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पायरोल का कंजुगेट एसिड होता है उसकी पीके वैल्यू कम होने के कारण पायरोल का कंजुगेट एसिड प्लेन के कंजुगेट एसिड से स्ट्रोंग एसिड होता है और अगर किसी भी कंपाउंड का कंजुगेट एसिड ज्यादा स्ट्रोंग एसिड है तो उसका बेस हमेशा वीक बेस होता है अब अगर मान लो पिल और पायरोल का एनिलिन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले इन तीनों के नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर को कंसिडर करते हैं जैसे प्लेडिन के नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर होता है ये एसपी टू हाइब्रोडाइज होता है लोकेलाइज होता है और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता इसी तरह से जो पायरोल के नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है ये भी sp2 पी टू हैबेडाइज होता है बट ये डी होता है और हक्कर रूल के अंदर इन्वॉल्व होता है और अगर एनिलीन के लोन पेयर की बात की जाए तो इसका लोन पेयर भी sp2 पी टू हैबाडाइज है ये बेंजीन रिंग के अंदर माइग्रेट कर सकता है यानी कि ये डीलोकलाइज है बट एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि हक्कर रूल के अकॉर्डिंग एनिलीन एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसके रिंग में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि हमने इसके एल को एरोमेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं कराएं तो इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि जिसका लोन पेर एरो में इन्वॉल्व है वो तो बेस बन ही नहीं सकता तो इसके बेस पे एक स्टेटमेंट तो हम ये दे सकते हैं कि इन तीनों में से पायरोल सबसे क्योंकि एनिली में sp2 लोकलाइज है, है तो इन दोनों नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो प्रेडिन में ज्यादा होगी इसलिए प्रेडिन जाएगा और अगर कोई कंपाउंड स्ट्रोंग बेस होता है तो उसकी के बी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है पी के वैल्यू हमेशा कम होती है तो बेसिसिटी के इस ऑर्डर को हम इसकी पी के बी वैल्यू के साथ भी को रिलेट कर सकते हैं अगर कोई कंपाउंड अपनी सीरीज में स्ट्रोंग बेस है तो उसका पी वैल्यू हमेशा कम होगा और कोई कंपाउंड अपनी सीरीज का अगर पुअर या वीकेस्ट बेस है तो उसका पी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि एनिलीन और उसके डायरेवेटिव में बेसिसिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है और एनिलीन और उसके डायरेवेटिव की बेसिसिटी के फाइनल ऑर्डर को एस के थ्रू किस तरह से कोरिलेट करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझा होगा तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्वानिडीन और उसके डायरेवेटिव में किस तरह से बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं इसको सीखेंगे